नमस्कार, मैं हूं डोगरा तहलका टुडे में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। क्विंगदाओं में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, एससीओ के महासचिव राशिद से मिले पीएम, देखेंगे रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वे एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ एससीओ समिट के सभी सदस्य देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसी क्रम में वे चीनी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी अलग से मिलेंगे। हम आपको बता दें कि शनिवार को तड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के लिए रवाना हुए थे। यूपी बोर्ड परीक्षा के टॉपर का 1 लाख का चेक हुआ बाउंस, देखेंगे रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी में हाई स्कूल के टॉपर आलोक मिश्रा का 1 लाख का चेक बाउंस हो गया है। इस चेक को सीएम योगी ने एक प्रोग्राम के माध्यम से देकर उन्हें सम्मानित किया था। चेक बाउंस की सूचना पर शासन ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अपनी गलती सुधारते हुए फजीहत से बचने के लिए आनन फानन में DIOS ने छात्र को कॉलेज बुलाकर दूसरी चेक प्रदान की है। हम आपको बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2018 का रिजल्ट जब आया था तो प्रदेश के टॉपर्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। नेता से लेकर बड़े बड़े अधिकारी इन हुनरहारों को बधाई देने में लगे थे। इन मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लखनऊ बुलाकर सम्मानित भी किया था। जिले के टॉपर को मुख्यमंत्री के हाथों से मिला चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद से छात्र और उसके अभिभावक परेशान हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई थी वो चेक डिसऑनर हो गई है, उसमें आप क्या कहें? डिसऑनर नहीं, उसमें उन्होंने कहा कि साइन नहीं खाते हैं, तो उसको दूसरा चेक इशू कर दिया गया और बच्चे को दे दिया गया है। क्या फॉल्ट आई थी उस चेक को लेकर? उसमें साइन तो सेम है, लेकिन हो सकता है बैंक वालों के फ्लो में कुछ अंतर लगा हो, इसलिए मैंने दूसरी चेक इशू कर दी। ये बड़ी कमी मान रहे हैं आप, नहीं मान रहे किसी मुख्यमंत्री द्वारा जो चेक दी गई जब जो बाउंस हो गई, ये बड़ी कहीं कहीं गलती तो हुई है कि बैंक का कि साइन नहीं मिल पाते हैं, तो दूसरी चेक इशू की गई है। ताकि शासन ने और बच्चों की चेक दिया था, उनमें कोई शिकायत आई? उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं आई, मेरी 4-5 कंसल से हिसाब से बात हुई है। साई के 7 बच्चे हैं, उनके सभी चेक लगे हुए हैं और एक बच्चा चेक मिला हो, कैसे क्या हुआ? जी, मेरा नाम आलोक मिश्रा है, मैं बाराबंकी यंग स्ट्रीम का छात्र हूँ स्कूल का। मैंने 2018 यूपी बोर्ड परीक्षा में 7th रैंक प्राप्त की थी यूपी में। उसमें योगी जी ने 29 तारीख को राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में सम्मान समारोह में बुलाया था, 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया। उस पर DIS के साइन थे यहाँ बाराबंकी के, तो हमने 4 तारीख को जमा किया, 4 को जमा किया, 6 को वो वापस आ गया। फिर हमने 6 को कॉल किया वहाँ पर, तो उन्होंने कहा इलाहाबाद गए, 7 को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कॉल किया, फिर 8 को फिर उन्होंने बुलाया कि आइए आप बात कर लीजिए, फिर गए तो उन्होंने दूसरी चेक बना के दी। क्या कारण क्या था? उनके सिग्नेचर नहीं मिल रहे थे, फिर उन्होंने कि दूसरी चेक बना के दी, वो कब कैंसिल। भ्रष्टाचार के मामले में सीएम योगी के प्रमुख सचिव को मिली क्लीन चिट, देखेंगे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव शशि प्रकाश गोयल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर मुख्य सचिव ने शुक्रवार देर रात अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री को सौंप दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में गोयल को क्लीन चिट दे दी है। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार देर रात मुख्य सचिव को इस फैसले की जानकारी दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल राम नाईक ने शिकायत पत्र में मुख्यमंत्री योगी को लिखा था कि जिसमें उन्होंने हरदोई के एक व्यापारी अभिषेक गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव पर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप में जांच की बात कही थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस पत्र पर संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। एसडीएम ने पकड़ा हजारों क्विंटल अवैध राशन, देखिए रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का बड़ा असर देखने को मिला। भ्रष्टाचार की शिकायत कर 2 जिलों के डीएम पर मुख्यमंत्री की कार्रवाई के बाद बाराबंकी जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राशन की घटतोली की और कालाबाजारी की शिकायत पर कार्रवाई की है। बाराबंकी देवा रोड पर सोमैया नगर में PCF केंद्र पर किसानों के नाम पर अवैध खरीद कर रहे राशन माफियों का हजारों क्विंटल गेहूं SDM सुशील प्रताप सिंह ने पकड़ा है। छापेमारी की सूचना पर PCF के अधिकारी मौके से फरार हो गए और मौके पर एक चपरासी को हिरासत में लिया गया। मिला आपको यहाँ पे जो अंदर बोरी लगी हुई है 422 बोरी है, बाकी ट्राली पे जो लदा हुआ करीब 75-70 क्विंटल गेहूँ जो लदा हुई है कालाबाजारी करके यहाँ लाया गया है। वो PCF के अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ तौल इसकी की जा रही थी, जबकि किसानों की ट्रालियाँ खड़ी हुई उनकी कल से तौल नहीं की गई। कितना राशन होगा लगभग, कितना इसका है? ट्राली में जो लोड है जिसकी तौल चल रही थी करीब 75 क्विंटल आसपास होगा।
और अंदर जो है अंदर 423 बोरी लगी हुई है, जबकि उसमें भी हमने भारी मात्रा में लगी, उसमें भी मैंने देखा है कि जो बोरी तौली गई उसमें 52 क्विंटल 890 ग्राम गेहूँ पाया गया, 53 किलो उसमें भी बढ़ा के जो है। जिलाधिकारी महोदय को किसानों के द्वारा बताया गया कि PCF का एक केंद्र है चंदौली में, वहाँ पे अवैध तरीके से क्रय किया जा रहा है। क्रय का एक समय है जबकि ये सुबह से ही इनके द्वारा क्रय किया जा रहा है। मौके पे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे भेजा गया। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि बिना किसी सरकारी कार्मिक की उपस्थिति के और नियम विरुद्ध यहाँ क्रय किया जा रहा है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये कितना गेहूँ ये क्रय कर रहे हैं, इसको कहाँ मेंशन कर रहे हैं, कहाँ ये रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है और कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं है। इस क्रम में डिप्टी RMO को और PCF के प्रभारी को बुलाया गया है, ये लोग मौके पर आ रहे हैं, जांच की जाएगी इसकी और गलत तरीके से ये हो रहा है सबके खिलाफ FIR कराई जाएगी एक तरफ से। छतरपुर इलाके में दिल्ली पुलिस ने राजेश भाटी गैंग से मुठभेड़ में 4 बदमाश किए थे, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के छतरपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 4 बदमाशों को ढेर किया है। हालांकि इस मुठभेड़ में 6 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस से मुठभेड़ राजेश भारती गैंग से हुई है। हम आपको बता दें कि राजेश भारती गैंग दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। हम आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ में राजेश भारती समेत गैंग के 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो इसी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अजी डोगरा के साथ। विक्रेता हेल्का टुडे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।